सर लोग का स्वागत है से फिर बात कर लेते हैं हीरो आईसीएल के बारे में आई में कल था मैच नॉर्थ ईस्ट वर्सेस केरला ब्लास्ट एफ़सी मतलब दो गोल हुआ है केरला ने दो गोल किया है एंड दोनों ही गोल दो मिनट के अंदर हुआ है देमंता कुछ ने किया है दोनों ही गोल अच्छा गोल था अब सी नॉर्थ ईस्ट का गेम देख के लाइक like, ज्यादा कुछ है नहीं बोलने का क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स ने भी खुद छोड़ दिया भरोसा नॉर्थ ईस्ट के फैंस के ऊपर भी ज्यादा कुछ अभी लाइक like, फैंस को भी ट्रस्ट नहीं की कोई टीम करेगा एंड मुझे भी नहीं है क्योंकि उनका गेम देख के लग रहा है कि यार उनको बस ये सीजन खत्म करना है पिछले सीजन की तरह आ, कुछ ज्यादा बचा नहीं है केरला नो डाउट एक काफी इंपॉर्टेंट विन था उनके लिए क्योंकि इसी विन के साथ साथ उन्होंने अपना जो पोजीशन है टॉप सिक्स में वो काफी ज्यादा सही कर लिया एंड करेंटली वो नंबर थ्री पोजिशन में है एडी के मोहन बगान को थर्ड पोजिशन से हटा के फोर्थ पोजिशन में लाया केरला एंड केरला फॉर्मेंस काफी ही में ज्यादा ओवर डोमिनेटिंग था क्योंकि सामने वाला टीम अगर इतना वीक है तो आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो एंड केरला ने कुछ ज्यादा अपना ना एनर्जी वेस्ट किया कुछ वेस्ट नहीं किया है दो गोल किया उसके बाद चिल मारा है केरला के प्लेयर्स ने खुद के अंदर पासिस खेला है कुछ कुछ अटैक्स क्रिएट किया है एंड यू नो दियमता का उसका परफॉर्मेंस बहुत, अच्छा you know, बहुत अच्छा था यू नो बहुत अच्छा था एंड ग्ञानू का भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था एड्रियन लूना ने नेक्स्ट लेवल गेम खेला है हर एक प्लेयर ने अच्छा गेम खेला है जैसे मैं किसी को भी पिक नहीं करूंगा बट स्पेशली एड्रियन लूना का गेम इस मैच में काफी बढ़िया था क्योंकि एक तो जब सामने वाले का डिफेंस कुछ भी नहीं है था इस मैच में, जिसको देख के अच्छा लगा मतलब मैं बोल के हाँ है, में कुछ था वरना मैच लिटरली बता रहा हूं बहुत फर्स्ट्रेटिंग मैच हुआ है देखने में भी क्योंकि किसी भी प्लेयर ने अच्छा गेम नहीं खेला नॉर्थ ईस्ट का होकर एंड जब सामने वाला टीम पूरा ही मैच को छोड़ देगा तब लाइक इतना वन साइड मैच देखने हाँ, no doubt, uh, तो में अच्छा नहीं लगता बट हां नो डाउट केरला अपना जो फॉर्म है वो धीरे धीरे वापस आ रहे है उनका एंड कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट होगा सो so, देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में केरला का परफॉर्मेंस कैसा आ रहता है माउंट बगल की तरफ से तो ये रूमर्स थोड़ा सा है कि मोहम्मद यासिर एटी के बगाल में आने वाले सो so, टू बी टू बी वेरी ऑनेस्ट चांसेस कम है काफी ज्यादा कम है एंड एडीके मोहन बगान ने उनको एज अ बैकअप ऑप्शन रखा है अभी मोहम्मद यासिर को मेनली विंगर है है सो हो सकता लेकिन चांसेस अभी के लिए तो कम है राइट विंग पोजिशन के प्लेयर है बेसिकली लिस्टन के जगह में उनका पोजिशन है एंड लिस्टन कोलेसो एडिके मोहन बगान में काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन लिस्टन के साथ एक काफी मेजर प्रॉब्लम है कि स्किलफुल प्लेयर है नो डाउट लेकिन उनका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या फिर वो प्रॉपर टाइम में बॉल

यू नो ईस्ट बंगाल का वुमेंस टीम फिर से थोड़ा सा यू नो रिवाइव किया है क्योंकि काफी टाइम तक वो ऑफ था एंड सिर्फ टू बी वेरी स्पेसिफिक इस टूर्नामेंट के लिए स्पेशली टीम को फिर से रीबिल्ड किया गया एंड परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा सही था एंड यू नो डोमिनेट किया पूरे टूर्नामेंट में ईस्ट बंगाल ने जो कोनाशी कप हुआ था उसमें दूसरी के कारण ईस्ट बंगाल को डायरेक्टली एंट्री मिल चुका है हीरो इंडियन वुमेंस लीग में तो उम्मीद करती है कि इन दोनों आईसीएल का आईसीएल कप्स का परफॉर्मेंस यू नो हीरो डब्ल्यू यू नो वुमेंस लीग में अच्छा हो सबसे बार्सिलोना की तरफ से तो बार्सिलोना इंटरेस्ट दिखाया जो फिलिप के ऊपर अभी जस्ट चेल्सी ने साइनिंग कंप्लीट किया जो फिलिप्स का लोन डील में मुझे पता है लेकिन शॉर्ट टर्म लोन डील है एंड बार्सिलोना प्लान कर रहे कि वो जो फिलिप्स का साइनिंग समर ट्रांसफर विंडो में कंप्लीट करे मतलब साइनिंग कंप्लीट करे प्रॉपर साइनिंग है एंड अच्छा ऐसी होगा मैं ये नहीं बोलूंगा बार्सिलोना के लिए खराब साइनिंग होगा लेकिन मेरे हिसाब से बार्सिलोना को सबसे पहले अपने जो ऑलरेडी जो टीम में प्लेयर्स है उनको कैसे वो रजिस्टर करवाएंगे उनके बारे में सोचना चाहिए जिनको वो लोग रेगुलरली खिला रहे हैं वही प्लेयर्स अभी भी एज अ मेन टीम प्लेयर रजिस्टर्ड नहीं है सो उनके बारे में सोचना चाहिए गावी एंड रोनाल्डो राजो के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि करवा लेना चाहिए यार हर एक मैच में खेल रहे हैं वो लोग एंड उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बहुत तगड़ा रहा है लाइक जो मेन टीम के प्लेयर्स उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो लोग सो so, उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए ऑलरेडी उनके पास स्ट्राइकर्स है लाइक रॉबर्ट लेवेंडूस जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास सो so, so मुझे लगता है नहीं कि उनको कोई सेकेंड स्ट्राइकर का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा भी और लाइक नो डाउट अच्छा साइनिंग होगा लेकिन अभी के लिए तो काफी लंबा चीज है ये टाइम लगेगा इस साइनिंग को होने में सो देखते हैं कि क्या फाइनली जो फिनिक्स बार्सिलोना में आती है सेक्शन की तरफ से तो यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखा है, हैरी केन के ऊपर के अभी का बात नहीं है मुझे पता है लास्ट तीन साल से यही चल रहा है एंड मैं भी तीन साल से कवर कर रहा हूँ कि है, हैरी केन यूनाइटेड में अभी आएगा अभी आएगा लेकिन सी एक बहुत मेजर इशू है हैरी केन के साथ वो है उनका सैलरी और उनका ट्रांसफर फी एंड ये दोनों मिला के टोटल कुछ 300 मिलियन यूरोस का डील होगा अगर होता है तो एंड यूनाइटेड के पास पैसा तो है लेकिन 300 मिलियन यूरो खर्चा करने लायक उतना भी नहीं है एंड वो सैलरी कैप भी उनको क्लियर करवाना होगा वो भी काफी जाम इम्पैक्ट हो चुका है वहां पे भी ज्यादा जगह नहीं है तो वो भी क्लियर करवाना होगा उसके बाद जाके हेरिक का साइनिंग कंप्लीट हो सकता है कुछ थ्री के पर वीक यूरो पर वीक का उनका सैलरी होगा मतलब तीन लाख पचहत्तर हजार यूरो पर वीक उनको मिलेगा सैलरी उनका करेंट सैलरी से थोड़ा सा हाई है वो एंड वही एक्चुअली ये जो हैरिकेन के जो एजेंट है उन्होंने वही बोला है कि इतना सैलरी चाहिए सो उस हिसाब से 300 मिलियन यूरो का टोटल डील साइज होगा जो कि बहुत बड़ा है ह्यूमंगज डील साइज है सो चांसेस टू तो वेरी ऑनेस्ट बहुत कम नज़र आ रहा है एंड हैरिकेन के एज भी इतना हो चुका है काफी ज्यादा सो ज़्यादा कुछ सेंस बनता नहीं है अभी सो so, चांसेस काफी कम है सो so, देखते हैं कि क्या at, मतलब यू you नो know, क्या यूनाइटेड फाइनली हैरिकिन का साइनिंग कंप्लीट करते हैं नहीं